आप रोज हमें डराते हो। मैं मरकज वालों को जरा बताऊं, अरुणाचल प्रदेश का आज हाल देखो। अरुणाचल प्रदेश में कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई पथराव नहीं है। शायद अरुणाचल प्रदेश में जितना अमन है उतना इस मुल्क के और किसी रियासत में नहीं होगा, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश में इन लोगों ने आग लगाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जैसा हमारे पास है वैसा वहां पे है, उन्होंने उसमें खिलवाड़ की, उसमें बदलाव लाया और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का घर तक लोगों ने जला दिया। वहां इस हद तक हालात खराब हुए। आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहां के हालात हो जाएंगे होंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मीडिया वाले अब रात को 9 बजे मेरा लगाएंगे वहां पे, उमर थ्रेटन्स इंडिया। मैं कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरा हैशटैग मत चलाइए आप, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको वार्न करना, बाकी आपकी मर्जी है। एक जिम्मेदार बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है दिल्ली को मैं बताऊं या आपकी सोच सही नहीं है। आप हम पे छोड़िए, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो चाहे वो गवर्नर साहब हो, आपकी आज एक ही जिम्मेदारी है, आप हालात बनाइए, इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने के बाद जो यहां के लोगों का फैसला होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उन पे छोड़िए कि 35A का क्या करना है। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि इस रियासत के हालात किस तरह साजगार और बेहतर रखने हैं। 2014 में हमने किस तरह हालात बेहतर करके मोदी साहब और मुफ्ती साहब के हवाले ये रियासत किया था वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों में मत पड़िए, इलेक्शन कराइए, लोगों को वोट का इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद जो हुकूमत होगी वो 35A को बचाने का काम जो है वो खुद ब खुद करेंगे।